वेलकम स्टूडेंट टू ए प्रॉब्लम सॉल्विंग लेक्चर। यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन है जो आप लोगों में से किसी ने भेजा है, क्वेश्चन नंबर 16 एनसीईआरटी का ही है, एक्सरसाइज 9.1 जो कि सम एप्लीकेशन सब ट्रिग्नोमेट्री है, उसका एक क्वेश्चन है जो आप में से किसी ने भेजा है, मैं इसका सॉल्यूशन करने वाला हूँ। देखिए क्वेश्चन बहुत ईजी है, आपको बस कभी कभी फंस जाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब नहीं समझ पाते हैं और फंस जाते हैं इस क्वेश्चन में। ये बहुत ईजी है, बोल रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम टू पॉइंट, ठीक है, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन किसका, टावर का, मतलब हमारे पास एक पहले बात तो टावर होना चाहिए, तो चलिए मान लीजिए इस लाइन से मैं एक टावर बना दिया, ये ए बी है टावर जिसका हाइट कुछ हो, एच हो मान लीजिए, नहीं दिया होगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ टावर फ्रॉम टू पॉइंट एट डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर, मतलब यहाँ से एक डिस्टेंस 4 मीटर पर है, चलिए मान लीजिए ये 4 मीटर है, और एक डिस्टेंस है 9 मीटर, एक डिस्टेंस है यहाँ 4, मान लीजिए ये रहा पूरा 9 मीटर, और ये दोनों सेम स्ट्रेट लाइन में बोल रहा है पहले से, ठीक है, तो एक 4 मीटर, ये रहा 4 मीटर दूरी बी ई सी, और इस पूरे को मैं डी नाम ले दूं, तो ये दूरी कितना है, ये दूरी है 9 मीटर, ओके। हाँ तो देखिए ये जो बोल रहा है, क्या बोल रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन इस पॉइंट का, ठीक है, इस पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, लाइन ऑफ साइड और हॉरिजॉन्टल एलिवेशन, यानी ये वाला और ये वाला, ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री, अब इसी में बच्चे फंस जाते हैं, ये क्या बोल दिया कॉम्प्लीमेंट्री, पहले आपको बोल रहा था 60-30 तो बड़ा आसान लग रहा था, अब फंस गया, नहीं आपको फंसना नहीं है, आपको अगर कॉम्प्लीमेंट्री दे रहा है कि ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है, इसका सिंपल में इतना ही मतलब है कि दोनों एंगल को मिलकर 90 होना है, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब टू एंगल्स हुज सम इज 90 इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो अगर हम मान ले, देख लीजिए, अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये कितना होगा, ऑफ कोर्स 90 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों को जुड़ के कितना बनना है 90, तो यहाँ थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा 90, तो हम लोग मान ले कि इफ एंगल BDA एंगल BDA इक्वल टू थीटा हो जाए तो एंगल BCA कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 90 माइनस थीटा, कैसे, तो देखिए क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी एंगल BCA ये वाला एंगल और प्लस एंगल BDA ये कितना होगा 90, तो यहाँ पे BCA हम लोग मान लिए हैं कि BDA हम लोग मान लिए हैं थीटा है, तो एंगल BCA प्लस थीटा इक्वल टू 90, ऑफकोर्स आप BDA को छोड़ के BCA को भी थीटा मान सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जैसे थीटा कितना हो गया 90 माइनस एंगल BCA, यही मैंने लिखा था, यानी 90 माइनस BCA कितना है, थीटा तो नहीं, थीटा है 90 माइनस BCA, और हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है एंगल BCA, तो एंगल BCA कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ओके, और इसका काम आएगा आपको थोड़ा सा, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला रिलेशन था उसका भी काम आएगा, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है कि प्रूफ करना है, तो प्रूफ क्या करना है, हाइट ऑफ टावर जो है, हाइट ऑफ टावर वो 6 मीटर है, बहुत ईजी है, हाइट ऑफ अपने आप आ जाएगा, आपको डरना नहीं, अरे ये तो प्रूफ वाला क्वेश्चन है, भारी लगेगा, बहुत ईजी है, हाइट ऑफ टावर इज 6 मीटर। अब देखिए अब हम लोग क्या करने वाले, हमारे पास 2 ट्रायंगल है और हाइट का बात है, ठीक है, और बेस भी दिया हुआ है रिलेशनशिप में, तो हम लोग फिर से हाइट और बेस वाला एक लगाएंगे, और आप जानते ही हैं डिस्टेंस और ये जो रिलेशनशिप है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, मैक्सिमम क्वेश्चन 10 कॉर्ड पे बन जाता है, तो यही चीज़ हम लोग करेंगे, परपेंडिकुलर और बेस को मिलाने वाला एक बहुत अच्छा रेशियो है 10 थीटा, तो उसी को हम लगाते हैं, तो इंटर एंगल बड़ा वाला ट्रायंगल BDA लगाते हैं, अगर इंटर एंगल BDA या ADB BDA में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 10 थीटा जो है, 10 थीटा ये किसके बराबर हो जाएगा, BA बाय AD हो जाएगा, यानी BA बाय 9, क्योंकि AD कितना है 9, बोला ना पहले, अब देखिए अब बात करते हैं इसमें, ठीक है, ओके, तो इन ट्राइंगल BCA छोटा वाला ट्रैंगल है BCA, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 थीटा, यहाँ पे क्या है 90 माइनस थीटा, तो 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू BA यानी वही परपेंडिकुलर बाय बेस यानी AC यानी 4, तो BA बाय 4। अब देखिए आप आराम से 10 90 माइनस थीटा क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे थीटा ये है, यानी इसको आप आ सकते हैं x, ठीक है, तो ये x है, 10x निकालिए, अब 10 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, यही मैं बोला था कॉम्प्लीमेंट्री का थोड़ा सा यूज होगा, cot थीटा इक्वल टू क्या होगा BA बाय 4, ओके। अब देखिए हम एक रिलेशनशिप जानते हैं 10 थीटा इक्वल टू 1 बाय cot थीटा या cot थीटा इक्वल टू 1 बाय 10 थीटा, हम लोग जानते हैं क्या, हाँ जानते हैं, ठीक है, बहुत आसानी से जानते हैं, तो देखिए 10 थीटा जो क्या है BA बाय AD यानी BA बाय 9, तो BA बाय 9 इक्वल टू 1 बाय, अब आपका मन में होगा इसको हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यही BA जो है यही तो है हाइट ऑफ टावर, यहाँ से हम रिलेट कर रहे हैं, तो देखिए आराम से आ जाएगा cot थीटा क्या निकला BA बाय 4, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 ऊपर चला जाएगा 4 बाय BA, तो ऑफकोर्स हमारे पास आ गया BA बाय 9 इक्वल टू 4 बाय BA, यहाँ से आप क्या देख सकते हैं BA इंटू BA क्या हो जाएगा BA स्क्वायर, तो BA स्क्वायर क्या आ गया 9 4 36, तो इम्प्लाइज इसका मतलब क्या है कि BA जो है वो आ जाएगा, इसका स्क्वायर को इधर करेंगे तो रूट आ जाएगा √36, और ऑफकोर्स ये हो जाएगा 6 मीटर, ठीक है, -6 तो नहीं होगा क्योंकि हाइट तो माइनस में होता नहीं है, ये हो गया 6 मीटर
लेंथ हो गया टावर का, यही प्रूफ करना था। प्रूफ देखिए कितना आसानी से बन गया। आपको सिंपल जो ट्रायंगल आपको मिला था, एक तरह से ट्रायंगल में एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ था, और यहाँ पे डायरेक्ट एंगल ना देके आपको एक रिलेशनशिप दिया था कॉम्प्लीमेंट्री का। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर दिक्कत है तो आप कमेंट में पूछिए कहाँ दिक्कत है। अगर नहीं ये समझ में आया तो मैं किसी दूसरे तरीके से आपको समझाऊंगा, या इसी तरीका को आपको अगर इलेबरेट करना है तो इसको और मैं डिटेल में बताऊंगा। पर मुझे उम्मीद है बहुत सिंपल तरीके से बताया हूँ मैंने, तो ये सब आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से आपको कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हो आप प्लीज़ उसको मुझे बताएं। मैं आप जानना चाहता हूँ कि आप में को किस में दिक्कत है। आपको कॉन्सेप्ट रिलेटेड दिक्कत है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। 30 मिनट के ही लगभग मैंने सारे कॉन्सेप्ट को कवर कर दिया हुआ है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से आता है तो ईजिली आप सब कुछ कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ ये एक्सेल समाप्त करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।